बड़ी हैवी हैवी बाइकें हैं यार इसकी, तो देखना कितनी हैवी है भाई। यही फ्यूचर है, फ्यूचर में सारी ज़्यादातर मार्केट में चीज़ें ना इलेक्ट्रिक में ही मिलेंगी, बॉक्सर। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सबसे पहले आप सभी को जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है 1 जुलाई, तो आज है रथ यात्रा, तो सबसे पहले सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी जो टाइम हुआ है 11 बज गए हैं, तो आज मैं थोड़ा लेट हूँ बिकॉज ऑफ मुझे ऑफिस में कम काम है। मुझे जाना है मैंने एक एक्सपो में जो कि एग्जीबिशन हो रहा है यहाँ पे। तो मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया, और आज का वेदर देखो भाई यहाँ। और अभी सीधा निकलते हैं BIEC के लिए, जो कि है बेंगलोर इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर। काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा एमटेक्स में, बट आज है डिफरेंट एग्जीबिशन जो कि काफ़ी इंफॉर्मेशन वाला है, काफ़ी नॉलेजेबल है, बिकॉज ऑफ ए सेक्टर अभी लास्ट 2-3 ईयर से मीन्स ग्रोथ में आया है। काफ़ी लोग समझ भी गए होंगे, बाकी तो थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे, मैं बता ही देता हूँ। वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का एग्जीबिशन है, जिसमें कि काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या प्रोग्रेस चल रही है, क्या इंडस्ट्रीज अपडेट है, क्या क्या नई नई चीज़ें आने वाली हैं मार्केट में, तो वो सब कंपनियाँ अपना अपना शोकेस करेंगी। तो अपन एक बार फटाफट चलते हैं। So भाई फाइनली पहुंच गए हैं ग्रीन एक्सपो में, जो कि है BIEC के अंदर, मतलब BIEC का जो कैंपस है उसी के अंदर हो रहा है, बेंगलोर इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर। और यहाँ पे पहली बार मैंने मिस पेमेंट किया है पार्किंग का भी, 2-व्हीलर का लगा है 30 रुपीज़ पार्किंग चार्जेस एंड इंट्री फीस 100 रुपीज़। कोई नहीं, तो 100 रुपीज़ की इंट्री फीस के साथ अब हम दोनों आ गए हैं अंदर, और देखते हैं क्या देखने को मिलता है भाई 100 रुपीज़ पे करके। वैसे तो ये फुल इलेक्ट्रिकल व्हीकल का है एक्सपो, तो होपफुली कुछ एक्साइटेड और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट देखने को मिले। कभी चलते अंदर, वैसे ये तो चल रही हैं गाड़ियाँ, यहाँ पे लोग ट्रायल भी ले रहे हैं, मे भी अपन भी कुछ लेंगे ट्रायल। भाई फाइनली अंदर आ गए हॉल के, और सबसे पहले जो स्टॉल मिला ये है लॉग नाइन का जो कि पूरा इलेक्ट्रिक है। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything. काफी बढ़िया बढ़िया तरीके के प्रोडक्ट हैं यार, जैसे टाटा एस, same way, gotta build up of my thoughts sitting in it. So basically अभी मैं हूँ लॉग 9 के स्टॉल पे। तो ये लोग क्या है ना, व्हीकल की बैटरी बनाते हैं, ये एक प्रकार से बैटरी है जो कि 15 किलो वाट की है, और इनका पर किलो वाट आवर का रेट है जो 55,000 है, ये बता रहे 55,000 है। साथ में ये क्या है ना, मींस जो फॉर एग्जांपल एक मैं दिखा रहा हूँ, ये है एक ने व्हीकल दिखाया है अपने कैटलॉग में जो कि ग्रेवोल करके है, ग्रेवोल जो कि इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर है, और 7.7 किलोवाट की इसमें बैटरी लगेगी, जो कि पर किलोवाट इनका 55,000 चार्ज है, और हाईएस्ट प्ले लोड है इनका 750 kg। तो ये सारी स्पेसिफिकेशन है, 6 ईयर की वारंटी भी है अनलिमिटेड किलोमीटर पे। तो ये क्या करते हैं कि अगर आपके पास पहले से कोई मोटर व्हीकल है जो कि डीजल या पेट्रोल जो भी है वो है, वो आप इनको स्पेसिफिकेशन दीजिए, ये उसके हिसाब से बैटरी बनाएंगे, बैटरी का पूरा पैक बनाएंगे। एक्चुअली ये बैटरी का सेल बनाते हैं, सेल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके हिसाब से फिर जितनी कैपेसिटी चाहिए उसके हिसाब से इस टाइप के पैक बनाते हैं। एक प्रकार से पैक है जो कि टाटा एस में लगता है ये पूरा, तो इस प्रकार से पैक बनाते हैं, और फिर वो पैक मीन्स हेल्प करते हैं कस्टमाइज़ करने में, व्हीकल कस्टमाइज़ करने में।
को एक पैक सेल करते हैं, साथ में इनका जो चार्जिंग वाला भी है, मीन्स चार्जिंग स्टेशन है। ये लोग ऐसा करते हैं कि जहाँ कहीं भी जाते हैं, मीन्स जहाँ पे ज़्यादा इनके व्हीकल सेल होते हैं, तो वहाँ पे किसी से पार्टनर करके और वहाँ पे ये चार्जिंग वाला पॉइंट भी लगा देते हैं। भाई ये टाटा मोटर्स की टाटा ई वी, अठारह लाख की है टाटा की, जो कि घर से चार्ज करने पे पूरे लगते हैं 8 घंटे, और अगर फास्ट चार्जिंग से करते हो तो चार्ज हो जाती है 1 घंटे। यहाँ पे मतलब पैर रखने का हैवी लग रहा है, बड़ा बड़ा। तो फ्रेंड्स अभी मैं हूँ DSR EV मोल्टी पे, और हमारे साथ हैं यहाँ के एक एम्प्लॉई राकेश शर्मा जी। तो शर्मा जी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सर आप थोड़ा बताएंगे आप अपनी कंपनी के बारे में, क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? हम लोग DSR EV मोबिलिटी में हर तरीके के व्हीकल, एक साइकिल से लेके मोटरसाइकिल, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, L5 कैटेगरी में ऑटो है, कार्गो ऑटो है, सभी तरह का चार्जिंग स्टेशन, स्वैपिंग सेंटर, मतलब तो एक EV इंडस्ट्री का जो पूरा सेगमेंट चाहिए उसका, आपका चाहे व्हीकल हो या उससे बैटरी हो, उसके चार्जर्स हो, स्वैपिंग सेंटर, चार्जिंग स्टेशन, सब पूरी रेंज करते हैं। और ऑल ओवर इंडिया हम DSR EV स्टोर के नाम से सप्लाई करते हैं, स्टोर्स खोल रहे हैं। तो कोई भी इंटरेस्टेड है हमारा स्टोर लेने के लिए, तो उसको एक ही जगह, एक ही कंपनी से सभी तरह के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, क्योंकि पूरे स्टोर को एक कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है। सो सर जो आप स्टोर ओपन कर रहे हैं वो एज अ फ्रेंचाइजी मॉडल है या फिर एज अ डीलरशिप मॉडल है? नहीं, उसमें अलग अलग हैं, फ्रेंचाइजी हैं, चैनल पार्टनर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डीलर हैं। जिस आदमी को किस उसकी कैपेसिटी क्या है इन्वेस्टमेंट की, किस टाइप का बिजनेस करना चाहता है, तो उसके हिसाब से हमारे पास सभी तरह के ऑप्शंस हैं। कोई मिनिमम कैटेगरी है जो कि स्टार्टिंग है वो कुछ इन्वेस्टमेंट कैटेगरी? हाँ, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हम लोग क्या है ब्रांड के साथ चल रहे हैं, हमारी वारंटी है, गारंटी है। तो एक डीलरशिप ओपन करने के लिए उसको अप्रॉक्सीमेटली हम कोई डिपॉजिट नहीं लेते। हमारी कंपनी में सबसे बड़ी बात है हम डीलर से कोई डिपॉजिट, कोई सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट मनी नहीं लेते। 1 लाख रुपये है नॉन रिफंडेबल, उसमें हम क्या है उसको पूरा 1 लाख का भी उसको एडवर्टाइजमेंट मटेरियल सप्लाई करते हैं। एडवर्टाइजमेंट मटेरियल जैसे पैम्पलेट्स हो गए, जो भी उसका ब्रांडिंग करनी है जो भी है। और मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है 32 लाख की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें मटेरियल है, उसका शोरूम रेडी करना है, सब कुछ रेडी, और ROI इसकी 1 साल के अंदर उसकी ROI आ जाती है। ओके। तो मार्केटिंग सपोर्ट क्या रहता है आपका? मार्केटिंग सपोर्ट पूरा रहता है हमारा। हम लोग उसको हमारा रेंटल का सपोर्ट है, अगर वो मिनिमम 10 गाड़ियाँ महीने में बेचता है तो रेंटल कंपनी देती है। एक ASM रहता है हमारी कंपनी की तरफ से, जो भी लोकल इवेंट्स होते हैं वहाँ पे उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, बिकॉज इन बिहाफ ऑफ डीलर, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, TV एडवर्टाइजमेंट, हर तरीके का जो जो एक इंडस्ट्री को चाहिए हम सभी करता था। ओके सर, थोड़ा बाइक के बारे में आप बताएंगे, मैंने काफ़ी सारे व्हीकल देखे हैं। आप बाइक जो देख रहे हो ये 100% मेड इन इंडिया है। ओके इसमें आपका मोटर, कंट्रोलर, बैटरी सब कुछ इंडिया में बनी हुई है। और ये बाइक जो है 100 किलोमीटर चलती है, एक चार्ज 100 किलोमीटर की स्पीड है, स्पीड है। ओके और एक चार्ज में ये 130-140 किलोमीटर चलती है। ओके चार्जिंग में टाइम कितना लग जाता है? चार्जिंग में 2.5 घंटे से 3 घंटा। जो घर की इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें कि फास्ट चार्जिंग? नहीं, जो घर का 5 एम्स का चार्जर है आपका, उसी से 2.5 से 3 घंटे में चार्ज होता है। अच्छा अच्छा। और ये पूरा स्मार्ट बैटरी है, इसमें सब कुछ कनेक्टेड है, आपके मोबाइल ऐप रहेगा, मोबाइल ऐप में आप देख सकते हो आपकी बैटरी कितनी है, बैटरी की लाइफ क्या है, सब कुछ मोबाइल के थ्रू देख सकते हो। कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सारी चीज़ें कनेक्टेड? पूरा सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है, उसका ऐप भी है। ऐप भी आपका? ये पूरा सिस्टम जो सर्वर है आपके पूरा चल रहा है? अच्छा अच्छा। तो सर मैंने देखा वैसे इसकी वारंटी क्या रहती है बैटरी की? 3 साल की वारंटी है। 3 साल की वारंटी है। अभी हमने जो बैटरी खाली ओपन रखा हुआ है दिखाने के लिए, अच्छा ये साइड से पूरा कवर हो जाता, पूरा कवर हो जाता है। अच्छा सर, अच्छा सर। एक और मैंने ये व्हीकल देखा जो कि आपका कमर्शियल के लिए है मोस्टली मे बी, तो थोड़ा इसके बारे में बताएंगे आप? सर ये ब्रांड है हमारा, इसको हम बोलते हैं रैम्बो। आपको मालूम होगा जैसे कि रैम्बो बहुत मजबूत है, ऐसे हमारा ये व्हीकल भी बहुत मजबूत है। ये 350-400 किलो लोड लेके चल सकता है। ओके। तो अभी जिसको जैसे अब मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, बोल सकते हो इधर से भी बोल सकते हो, तो इसमें ये
तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें पूरा आप लोड करके 350 से 400 किलो आप लोड डाल सकते हो, आपके कुछ भी आपका कमर्शियल हो, लोग इसमें दुकान भी चला रहे हैं, तो ये एक ऐसी मतलब कि चलती फिरती दुकान समझ लो आप। अब भाई मैं भी समझा कि ज़्यादातर जो स्ट्रीट पे काम करते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, सेल करते हैं छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, तो उनके लिए एक प्रकार से अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पीछे लगेज की व्यवस्था है, आगे भी है। वैसे लोड कैपेसिटी क्या है सर? 350 से 400 किलो। 350 से 400 किलो। और इसका बैटरी? इसका बैटरी LFP बैटरी है। हमारी बैटरी सारी फायर प्रूफ बैटरीज हैं। ओके। LFP टेक्नोलॉजी की बैटरी है विद स्मार्ट BMS, जो कि आपको अभी क्या होता है जब टेम्परेचर का सेल बढ़ता है तो बैटरी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमारे BMS बैटरी को टेम्परेचर का सेल भरने ही नहीं देता। वैसे मींस जो आपकी बैटरी है, हाँ मैंने देखी है, इसमें बीच में भी खाली जगह है, साइज का भी ऑप्शन रखा है। इसमें साइज का कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग जो दे रहे हैं इसमें दे रहे हैं 80 से 100 किलोमीटर का रेंज। कस्टमर को चाहिए कि वो उससे ज़्यादा रेंज देना चाहे। तो इसकी कॉस्ट क्या है सर? इसकी कॉस्ट है सर 95,000 कस्टमर। ओके 95,000। जब बैटरी कभी ख़राब हो गया उसके बाद बैटरी रिप्लेस करना है? 3 साल की हमारी वारंटी है। उसके बाद क्या कॉस्ट आती है? उसके बाद जो आज जो कॉस्ट है बैटरी की, वो 3 साल बाद 4 साल बाद बैटरी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो अप्रॉक्सीमेटली बैटरी कॉस्ट पड़ेगी उसका हम 35,000 फॉर द बैटरी कॉस्ट। तो रिप्लेसमेंट में ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है आपका, इतने किलोमीटर चला हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, 3 ईयर डायरेक्ट वारंटी, अनलिमिटेड किलोमीटर चला हुआ हो तब भी कर देंगे। अच्छा, वो सर स्कूटर्स वगैरह है? ये स्कूटर है सर, हाँ। ये लो स्पीड में आते हैं, लोड स्पीड का स्कूटर है ये, हाँ। ये अराउंड 80 से 85 किलोमीटर चलता है, हाँ। इसकी स्पीड आके 25 किलोमीटर है। अभी जैसे आप विलेजेस में हो जहाँ पे कि आपको रजिस्ट्रेशन जरूरत नहीं है इसमें, इसमें आपको और दूसरी चीज़ों की जरूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। 25 किलोमीटर स्पीड सर, एक चीज़ और मैंने देखी थी कि गवर्नमेंट इस पर कुछ छूट भी दे रही है, वो आपके व्हीकल पे अप्लाई होता है? पूरे होते हैं, हम लोग पूरा जो भी फेम के अंदर जो भी सब्सिडी आती है, जो भी गवर्नमेंट की सब्सिडी है, स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी है, हम सब में आते हैं। तो अभी जैसे आपने इसका प्राइस बताया, उसमें सब्सिडी इंक्लूड है कि वो माइनस होगा? ये जो व्हीकल है इसमें सब्सिडी नहीं है, बाइक में सब्सिडी है। अच्छा अच्छा, सब्सिडी है मे बी जो रजिस्टर्ड होगा गवर्नमेंट के साथ वही उसी में सब्सिडी मिलेगी, अनरजिस्टर्ड व्हीकल में सब्सिडी नहीं होगा। अच्छा सर, तो ये है ऑटो और ये फुल इलेक्ट्रिक है। तो सर थोड़ा इस ऑटो के बारे में बताओगे? आपका देखा काफ़ी अच्छा मॉडल है सर। आप लोगों ने बहुत लोगों ने देखा होगा ई रिक्शा बहुत चल रहे हैं मार्केट में, हाँ। तो ई रिक्शा की क्या है लाइफ, 1-2 साल 3 साल है। ये जो है ये ऑटो का रिप्लेसमेंट है, इसको बोलते हैं L5 कैटेगरी ऑटो, जो कि बजाज ऑटो हैं, प्याजो ऑटो हैं, ये उसी टाइप का इलेक्ट्रिक में ऑटो है, हाँ। और ये रजिस्टर्ड व्हीकल है, इसमें लिथियम आयन बैटरी है, 50 किलोमीटर स्पीड है, और ये आपका जैसे नॉर्मल ऑटो जो जिस स्पीड में चलता है उसी स्पीड में चलता है, वही परफॉर्मेंस है, सब कुछ वैसे ही। तो इसका प्राइस कितना पड़ता है? इसका प्राइस पड़ता है 3 लाख से 3.25 लाख रुपए। 3 साल की बैटरी है, लाइफ है, हाँ। और इसमें सबसे बड़ी बात चीज़ है, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, अभी जब आप अभी ये गाड़ियाँ ऐसी हैं जिससे कस्टमर कमाता है, हाँ। तो 3-4 घंटे रुक के चार्जिंग नहीं कर सकता, हाँ। अभी वो सुबह शाम तक चला रहा है, उसको अर्जेंट कहीं जाना है दोबारा, तो हमने इसमें बैटरी स्वैपिंग सिस्टम दिया है। ये बैटरी जो है, हाँ। ये बैटरी स्वैप होती है और इसमें लगती है और इसमें लग जाती है, और इसमें लग के बैटरी में दिखाता हूँ अंदर आपको, ये बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी इसमें चार्ज रहती है। तो कस्टमर आता है, जैसे आप पेट्रोल पंप में LPG CNG बंक में जाते हो गैस भरवाने के लिए, हाँ। तो आप वो 3 से 5 मिनट में आएगा, अपनी बैटरी एक्सचेंज कराएगा और फिर आगे 100 से 120 एक चार्ज में ये 120 किलोमीटर चलता है। अच्छा, तो इसका कुछ चार्ज पे करते हाँ, करना पड़ेगा? इसका चार्ज करना पड़ेगा पे उसको, क्योंकि हाँ। हम इलेक्ट्रिसिटी वो हम यूज़ कर रहे हैं, अब उसमें बैटरी का मेंटेनेंस है, तो उसमें मिनिमम चार्ज में जैसे वो पेट्रोल डलाता है उस हिसाब से अपनी बैटरी एक्सचेंज करा के वो अनलिमिटेड। तो कोई फिक्स चार्ज कर रखा है अभी की? अभी इसका इसके लिए अलग अलग ऑप्शन है इसमें, हाँ। किलोमीटर वाइज है ऑप्शन है, प्लान्स है इसमें, अगर हाँ। बैटरी उसकी है तो चार्ज कम रहता है, अगर बैटरी उसकी नहीं है, बैटरी हम लोगों की है, और हाँ। जैसे आप घर में LPG सिलेंडर है, सिलेंडर आपका रहता है मगर एक्सचेंज होता रहता है, हाँ। आप खाली गैस के पैसे देते हो, हाँ। ऐसे अगर इसमें आपने बैटरी खरीदी हुई है तो आप खाली हमें इलेक्ट्रिसिटी के और मेंटेनेंस के पैसे दोगे। अच्छा। अगर आपने बैटरी नहीं खरीदी है तो बैटरी का भी कैपिटल साथ में हर चार्ज में, तो मंथली प्लान है, क्वार्टरली प्लान है, ऑटो वालों की सुविधा के लिए जो जो चाहिए वो हम लोग सबने करा। अच्छा सर, एक डाउट है, ये हमें मिलेगा कहाँ पे? वही कैसे ढूंढेंगे इसका, हाँ। कोई ऑप्शन? तो अभी हम बैंगलोर साउथ इंडिया में फर्स्ट कर रहे हैं, UP में हमारी बात है, तो एक एक स्टेट में हमारे हर 5 किलोमीटर पे 5 किलोमीटर की रेडियस पे हमारे चार्जिंग स्वैपिंग स्टेशन रहेंगे,
जहाँ पे कस्टमर आके अपनी बैटरी एक्सचेंज करा सकता है। तो उसको फाइंड करने का कोई पूरा ऐप है सब कुछ का। अच्छा, उसी से। तो वो ऐप में उसको पता लग जाएगा वो चार्जिंग स्टेशन कितने दूर है, वहाँ चार्जिंग स्टेशन में कितनी बैटरी चार्ज है, वहाँ से वो ब्लॉक भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं हो चार्जिंग स्टेशन के पास गया पता लगा वहाँ बैटरी चार्ज नहीं है, तो उसको सब कुछ पता लग जाएगा ऐप में कि कौन से चार्जिंग स्टेशन, कौन सा चार्जिंग स्टेशन मेरे पास है, उसमें कौन सी बैटरी चार्ज है, वो चार्ज बैटरी ब्लॉक भी कर सकता है। तो यहाँ ऑपरेटर रहेगा उसको ऐप में पता लग जाएगा कि ये तीन बैटरी उन्होंने ब्लॉक कर दी है, तो आधे घंटे तक वो बैटरी ब्लॉक रहेगी। अच्छा सर, जैसे ये वाला आपका जो ऑटो है टायर 2 सिटी टायर 3 सिटी में कोई यूज करता है, वहाँ पर अभी ये फैसिलिटी नहीं है अवेलेबल, तो वहाँ पे घर में चार्ज करने में कितना टाइम लगेगा? हमारे पास दोनों ऑप्शन है, इसको बोलते हैं स्वैपेबल बैटरी ऑप्शन, एक रहता है फिक्स बैटरी ऑप्शन जिसके लिए हमने चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। अच्छा, ये चार्जिंग पॉइंट है, अब अपने घर के चार्जर से नॉर्मल जैसे आप बाइक सब या मोबाइल चार्ज करते हो आप चार्ज भी कर सकते हैं। अच्छा, कितना टाइम लगेगा इसको? 3 से 3.5 घंटे 3 से 3.5 घंटे 3 से 3.5 घंटे में चार्ज करने के बाद ये 120 किलोमीटर चलेगा। चलिए सर, इसका कोई फैसिलिटी ऐसा भी है कहीं डीलर नहीं है आपका, तो कुछ ऑनलाइन सुविधा कोई पोर्टल के थ्रू ऑर्डर करे या कुछ भी? नहीं देखो, ऑनलाइन सर ये चीज़ें ऑटोमोबाइल जो है ये सर्विसेबल आइटम है, जो कंपनियां वैसा कर रही हैं सब फेल होती जा रही है। तो हम लोगों का पॉलिसी है पहले हम डीलर बनाते हैं, सर्विस सेंटर बनाते हैं, उसके बाद हम सेल स्टार्ट करते हैं। तो कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया में कोई भी अगर डीलरशिप के इंटरेस्टेड है हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। जो आपने कॉन्सेप्ट बताया था डीलरशिप वाला, उस कॉन्सेप्ट में ये भी इंक्लूड है? सब कुछ है उसमें, आपको चार्जिंग स्टेशन नहीं है उसमें, आपको 3 गाड़ियाँ ऑटो, 3 हमारी एक और बाहर गाड़ी में दिखाता हूँ आपको वो गाड़ी, और 2 व्हीलर वो पैकेज है स्पेयर्स के साथ, 32 लैक्स में आपका शोरूम रेडी होना, स्पेयर्स और मटेरियल और फुल फ्लैश एक शोरूम रेडी हो जाएगा साइकिल से लेके ऑटो बेचने के लिए। तो विनोद के लिए भाई सर की तरफ से कुछ गिफ्ट है। Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you... एक छोटा सा कूलर है जो कि ऑफिस पर्पस से काफी अच्छा है, काफी तेज हवा भी दे रहा है। होम डिलीवरी फ्री है, होम डिलीवरी भी है। 2800 का है ये वाला। मैम दिस इज इंजन और बैटरी? बैटरी। ओके ओके। बड़ी हैवी हैवी बाइकें हैं यार इसकी, तो देखना कितनी हैवी है भाई। यही फ्यूचर है, फ्यूचर में सारी ज़्यादातर मार्केट में चीज़ें ना इलेक्ट्रिक में ही मिलेंगी, बॉक्सर। Look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby. जैसे ही बाहर आए यहाँ पे बारिश हो गई काफ़ी तेज, तो कुछ ट्रायल ले लें किसी का बाइक का। तो एक बाइक का ट्रायल लेते हैं, सुबह एक स्कूटी का ट्रायल ले रहे हैं, और ये है येलो कलर वाली। पी को दबाओ सर, पी को दबाओ। हाँ हो गया अभी हो गया। हाँ अच्छा, साउंड भी नहीं आ रहा। Have a taste, all the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you... कैसा लग रहा सर? कैसा लग रहा? अच्छा यार, इसे पता भी नहीं चलता, इंजन नहीं है ना तो साउंड नहीं आता ना, पता नहीं चलता। पर रिवर्स भी है सर। अच्छा, रिटर्न रिटर्न को रिवर्स भी है सर। मैक्सिमम स्पीड क्या है? मैक्सिमम स्पीड इसकी सर, मैक्सिमम स्पीड इसकी 25 है। 25 है। प्राइस कितना है सर इसका? इसमें 2 मॉडल हैं सर, 76,000 का एक है, 84,000 का एक है कस्टमर को। अच्छा, कस्टमर को। हाँ, डीलर प्राइस अलग है, 12% मार्जिन रहता है। अच्छा, 8-12%। ये तो रजिस्टर्ड है कि विदाउट? विदाउट रजिस्टर्ड वाले। तो भाई हो गया ट्रायल भी हो गया, विनोद तुम्हें लेना है ट्रायल? नहीं बस लेना और ले लो। अभी वो ट्राई किया था। कब ट्राई किया? अच्छा कर लिया। अच्छा, तो यहाँ का सब कुछ हो गया भाई, हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, काफ़ी सारे मॉडल देखे, काफ़ी ज़्यादा एक्साइट थे इन प्रोडक्ट को देखने के लिए। तो प्रोडक्ट वगैरह देख ली, अब यहाँ से सीधा निकलते हैं ऑफिस के लिए। एग्जीबिशन से मैं वापस आ गया और अभी टाइम हुआ है 3:30 हो गया है, अभी खा रहा हूँ खाना, और खाने में है राइस, और राइस उसके साथ सांभर और रसम और पापड़।
तो खाते हैं खाना यार, काफी लेट हो गया, भूख भी बड़ी जोरों से लगी है। सुबह खाना मेरा रेडी है। आज खाने में वैसे मैगी है, मैंने मैगी बनाई है, और आज मैंने फुल टमाटर वगैरह बढ़िया डाल के, लहसुन वगैरह डाल के बघार के अच्छे से मैगी बनाई है। लास्ट टाइम उबाल के बनाई थी तो उसमें अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा था। और अभी टाइम भाई 11:30 बज गए। एक्चुअली वीडियो इतना बड़ा था ना कि उसको एडिट करते करते काफ़ी टाइम लग गया। अभी मैंने एक्सपोर्ट पे लगा रखा है वीडियो। मेरा खाना वगैरह सब कुछ हो गया, खाना भी खा लिया, और अभी टाइम हो गया है 12:30 बज रहे हैं, और वीडियो एडिट हो गया भाई। अब एक्सपोर्ट हो रहा है, अभी एक्सपोर्ट होगा। अभी भी समथिंग 40 मिनट बता रहा है कि अभी टाइम लगेगा। आफ्टर 40 मिनट फिर मैं इसको अपलोड पे लगाऊंगा, और ये अपलोड हो जाएगा। तो होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।